Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the electronic configuration of oxygen family. हमारे जो oxygen family है में जितने elements है उनके electronic configuration को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आज का जो topic है हमारा discussion का, that is electronic configuration of oxygen family. ठीक है, जो 16 group of elements है उनके बारे में आज हम study करेंगे. ठीक है, तो इन group के जो elements है उनको याद रखने के लिए हमको एक sentence याद रखना है. ठीक है, और उस sentence के help से हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनको हम डिराइव करेंगे. दैट इज, और सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह से, दैट इज ओडिशा से टेलीफोन. ठीक है, ओडिशा से टेलीफोन, ऐसा सेंटेंस है. और इस सेंटेंस की हेल्प से हमारे जो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनको हम डिराइव करेंगे. और दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखना है, दैट इज नोबेल गैस की जो एटॉमिक नंबर है वो भी हमें याद रखना है. और वो इस तरह से, दैट इज 2, 10, 18, 36, 54, 86. ठीक है, इस तरह से इनको भी याद रखना है, इसका भी हमें बहुत काम है. ठीक है, तो पहला जो होगा कॉलम हमारा, दैट इज सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, उसके बाद है हमारा एलिमेंट. ठीक है, आफ्टर दैट एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, और लास्ट का जो कॉलम होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन का. ठीक है, इस तरह से होगा. अब क्या करना है हमें, इस ऊपर लिए गए सेंटेंस के हेल्प से क्या करना है, हमारे जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन फैमिली के उनको डिराइव करना है, और बाद में उनका एटॉमिक नंबर उसी तरह से, और फिर बाद में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है. ठीक है, ओडिशा से हो गया हमारा ऑक्सीजन. ठीक है, से हो गया हमारा, दैट इज सल्फर. ठीक है, ओडिशा से हो गया सल्फर. उसके बाद दूसरे से हो गया सेलेनियम. टेलीफोन से हो गया हमारा टेलूरियम, और फोन से हो गया हमारा पोलूरियम. ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे जो ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, इनको हमने डिराइव कर लिया. ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है इनका एटॉमिक नंबर डिराइव करने का है, और वो कुछ हम इस तरह से अब डिराइव करेंगे. ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से होगा. अब अलग अलग जो हमारे एटॉमिक नंबर है उनको अलग अलग तरीके से हम यहां डिराइव करेंगे. अब हमको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8. ठीक है, सल्फर का है 16. ठीक है, अब सेलेनियम का जब हमको एटॉमिक नंबर जब निकालना है तो हमको क्या करना है, सिंपली ये जो 18 है हेलियम, नियॉन, अर्गॉन के एटॉमिक नंबर में क्या करना है, इनका जो ग्रुप नंबर है वो कितना है, 16 प्लस 18 कितने हो गए, दैट इज 8 और 6 14, 14 के 4 1 और 1 3 34 हुए. ठीक है, तो 34 जो हुआ हमारा सेलेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया. वो कैसे डिराइव किया हमने, ये जो हमारा 18 था, 18 को हमने सेलेनियम जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप का कितना था 16, उसको उसमें ऐड किया तो हमारा एटॉमिक नंबर आ गया. उसके बाद टेलुरियम के केस में भी हमको ऐसे ही करना है, दैट इज 36 प्लस 16, 6 और 6 12 2 1, और दैट विल बिकम अराउंड 52. ठीक है, इस तरह से हमने टेलुरियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 52 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमने टेलुरियम जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर डिराइव कर लिया है. ठीक है, अब लास्ट में हमारा पोलुरियम है, तो पोलुरियम से क्या करना है, अब बेसिकली ये जो है हमारा 86, ये जो नोबेल गैस है ये कितने ग्रुप में आते हैं, 18वें,
तो 18 माइनस कितना, कौन सा 18 माइनस 16 कितने बचे, 2। तो जो बस आपको इसमें से क्या करना है, 86 में से जो 2 माइनस करना है और वही इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो दैट विल कम अराउंड 84। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिराइव कर लिए। ठीक है, अलग अलग टेक्निक से डिराइव किए, टेक्निक आपने यहां पर देखी होगी। ठीक है, उसके बाद जस्ट हमको क्या करना है, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, ठीक है, इसको ब्रैकेट करना है यहां पर इस तरह से। ठीक है, और इजीली आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या होगा, 2s 2 2p कितना हो जाएगा, 2p 4। ठीक है, ये 6 और इसके 2, 8 हो गए, 2s 2 2p 4। आपको पता है p की कैपेसिटी कितनी होती, 6 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसके बाद 3s 2 3p 4, ठीक है, इसका भी हो गया। अब आपको पता है 31 के बाद आता है d, ठीक है, सो दैट्स व्हाई 21 के बाद दैट इज 3d 10 4s 2 4p 4, ठीक है, 4s 2 4p 4 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो टेलुरियम है हमारा, उसका किस तरह से होगा, दैट इज 4d 10 4d 10 5s 2 5p 4 इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट में आपको पता है 72 के बाद हमारा f ऑर्बिट आ जाता है, सो दैट्स व्हाई आपको यहां पर 4f 14 5d 10 6s 2 6p 4 इस तरह से हमारे जो लास्ट का पोलोनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगा। तो काफी सिंपली सिंपल वे से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली है उसका यहां पर लिखने की कोशिश की है। आप भी इसको एक बार